गाइस, दिस इज वत्सल भावसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैरायटी वीडियोस। और ज़्यादातर आपने मुझे टेक रिलेटेड वीडियोस या फिर फनी या फिर अवेयरनेस के रिलेटेड वीडियोस बनाते हुए देखा होगा। लेकिन आज क्योंकि मेरे चैनल का नाम वैरायटी वीडियोस है, तो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपनी कुछ फेवरेट और घर की सीक्रेट रेसिपीज को आपको डिलीवर करूँगा। तो जो सीक्रेट रेसिपीज है वो मैं नहीं बनाऊँगा, लेकिन मेरी वाइफ बनाएगी। तो ये है मेरी वाइफ किंजल भावसार। हेलो गाइस। तो ये बनाएंगी बढ़िया सी डिलीशियस रेसिपीज। और आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा, जो कि बिना ओवन और ईस्ट के बनेगा। तो चलिए बनाते हैं यमी पिज्ज़ा घर पे। हेलो गाइस। तो आज हम बनाएंगे होममेड पैन पिज्ज़ा। तो पहले हम देख लेते हैं कि उसका डो कैसे बनाना है। तो डो का हम इंग्रेडिएंट देख लेंगे। तो डो बनाने के लिए हम पहले लेंगे 250 ग्राम मैदा। तो हम पहले उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 2-3 टेबलस्पून ऑयल, 2-3 टेबलस्पून दही डालेंगे। अब जैसे जरूरत हो वैसे हम पानी डालते जाएंगे। यह हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसको गीला किया हुआ रुमाल है उसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो चलो अब हम बनाते हैं पिज्जा सॉस। तो पिज्जा सॉस के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। ऑयल, चॉप्ड टोमेटो, गार्लिक, ओरिगानो, टोमेटो केचप, बेसिल लीव्स, पेपरिका, शुगर एंड सॉल्ट। तो हम पहले अबाउट 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसमें हम फाइनली चॉप गार्लिक डालेंगे। 6 टमाटर को बॉईल किया था 2 मिनट तक और हमने उसमें से सारे टमाटर के छिलके निकाल लिए और उनमें से 3 का हम प्योरी बनाएंगे और ये 3 का हमने बराबर काट दिया है। अब ये गार्लिक अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से पकाएं। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से पकाएंगे। फिर उसमें बेसिल लीव्स, ओरेगानो, पेपरिका, सॉल्ट टू टेस्ट, शुगर और केचप डालेंगे और फिर उसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसको 2 मिनट तक पकने दे और हमारा पिज्जा सॉस रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं ये हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसमें से 1 पीस निकालेंगे, उसको रोटी की तरह बेल देंगे। उसको फोक से थोड़ा थोड़ा छेद कर देंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन में तेल लगाएंगे और उसमें जो हमने पिज्जा बेस रेडी किया है उसको हम रख देंगे। अब उसमें बबल आ जाए तो उसको पलटेंगे। फिर हमने जो पिज्जा सॉस रेडी किया है उसको उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब इसमें आप कोई भी टॉपिंग ले सकते हैं, पर हमने इसमें ऑनियन, कैप्सिकम, जलेपिनो, ओरेगानो, पेपरिका और मोजरेला चीज डालेंगे। आप कोई भी चीज ले सकते हो और उसको हम कवर कर देंगे। तो तैयार है हमारा डिलीशियस होममेड पैन पिज्जा। तो इस तरह आप बिना ओवन और ईस्ट के घर पे भी बना सकते हैं होममेड पैन पिज्जा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। आप अपने सुझाव या सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और टेस्टी पिज्जा अपने घर पर बनाइए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।